हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी तो बेमिसाल है। आपने आज तक कोर्ट में वकीलों को मुजरिम के दिमाग के साथ खेलते हुए देखा होगा, मगर कभी किसी मुजरिम को वकील के दिमाग के साथ खेलते हुए देखा है? मूवी का नाम है द क्लाइंट, जो 2011 में रिलीज हुई साउथ कोरिया की थ्रिलर मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुबह के 5 बजे हैन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बिल्डिंग के आसपास काफी भीड़ जमा हुई है। पुलिस की कार्स और एम्बुलेंस खड़ी है। हैन के हाथ में फूलों का बुके है, क्योंकि आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। भीड़ को देख के हैन डर जाता है। वह डरते डरते अपने अपार्टमेंट में चला आता है तो उसे उसके बेडरूम की बेड पे खून का एक बड़ा धब्बा दिखाई देता है। इसके पहले कि वह कुछ समझ सके, पुलिस उसे उसकी वाइफ के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी वकील एलेक्स मीडिया को बताता है कि हैन की वाइफ सोनिया की हत्या रात को 1 बजे के आसपास हुई है, मगर सोनिया की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली और ना ही कोई मर्डर वेपन। मगर डीएनए से साबित हुआ है कि बेड पे लगा ब्लड सोनिया का ही है। पुलिस को शक है कि हैन ने अपनी वाइफ की बॉडी को कहीं पे डंप किया है। हैन को शक था कि उसकी वाइफ के किसी मर्द के साथ नाजायज संबंध है। सोनिया ने हत्या के 4 दिन पहले हैन से डिवोर्स की मांग की थी और इसी वजह को लेकर हत्या हुई है, मगर हैन ने मर्डर के जुर्म से इनकार किया है। हैन ने अपने वकील के तौर पे कांग की मांग की है, मगर कांग यह केस लेना नहीं चाहता क्योंकि उसे भी लगता है कि इसमें जीत की कोई संभावना नहीं है। कांग का दोस्त और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जैंग उसे उकसाता है कि हार के डर से वह यह केस लेने से इनकार कर रहा है। कांग को लगता है कि जब सोनिया की बॉडी ही नहीं मिली तो बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के किसी को गुनहगार या बेगुनाह साबित करना बेबुनियाद है। अगर हैन पे गुनाह साबित होता है तो उसे 18 साल की सजा होगी। जैंग कांग को चैलेंज करता है कि वह यह केस जीत ही नहीं सकता। वैसे तो कांग एक ब्रिलियंट लॉयर है, मगर काफी इमोशनल भी है। कांग की सफलता से सीनियर प्रोसिक्यूटर डैन जलता है। हैन की केस सरकार की तरफ से उसका कलीग एलेक्स लड़ रहा है, जो कांग का दोस्त भी है और राइवल भी। एलेक्स के डैडी कांग के मेंटोर है। कांग एलेक्स से ज्यादा सफल वकील है और यही बात एलेक्स को खलती है। यहाँ एक रात हैन जेल में सुसाइड करने की नाकामयाब कोशिश करता है। यह न्यूज सुन के कांग हैन की केस लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसे कहीं लगता है कि हैन बेगुनाह है। अब कांग क्राइम सीन पे यानी हैन के घर को विजिट देता है तो उसे वहाँ टूटा हुआ शैंडलर दिखाई देता है, तो टेबल पे कुछ जली हुई मोमबत्तियां पड़ी होती है। कांग को पता चलता है कि उस रात के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ले गई है। कांग के घर में ना उसके कोई फिंगरप्रिंट्स मिले है ना कोई डीएनए, जो अजीब है। खुद का घर होते हुए भी एक बाल भी न मिलना यह कैसे पॉसिबल है? मगर तहकीकात से पता चलता है कि कांग के उंगलियों की स्किन हमेशा जली हुई होती है, क्योंकि कांग फिल्म प्रोडक्शन में निगेटिव डेवलपर का काम करता है, जहां फिल्म को डेवलप करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उससे स्किन जलती है। अब कांग हैन से मिलता है। हैन से उसे पता चलता है कि सोनिया का किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा था, मगर उस आदमी को हैन ने नहीं देखा जिससे वो फोन पे से बात करती थी। हैन एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है, जो ज्यादा बात नहीं करता, अपने अंदर ही खोया होता है। हैन कांग से पूछता है कि क्या वो उस पे विश्वास रखता है। कांग उससे कहता है कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ केस की जीत पे फोकस करता हूँ। मगर अंदर से कांग अभी भी कन्फर्म नहीं कि हैन बेगुनाह है। अब कांग एलेक्स से मिलता है। एलेक्स कांग से कहता है कि सोनिया का कोई लवर नहीं था, हैन गुमराह कर रहा है। कांग एलेक्स से सीसीटीवी फुटेज की मांग करता है, मगर एलेक्स देने से मना करता है। वो उससे कहता है अपने सबूत खुद ढूंढो। एलेक्स कांग से ये भी कहता है कि वो यह केस ना लड़े तो बेहतर है, वरना बाद में उसे पछतावा होगा। तो उस पर कांग एलेक्स को चैलेंज करता है कि वो किसी भी हालत में हैन को जेल के बाहर निकाल के रहेगा। या कांग की असिस्टेंट यूना भी चाहती है कांग यह केस ना ले, जिसमें हार पक्की है। कांग की सेक्रेटरी उसे बताती है कि केस की 3 दिन में कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाली है, मतलब वक्त बहुत कम है। अब कांग फैसला करता है कि वह खुद सबूत ढूंढेगा। कांग को पता चलता है कि 12 बजे मर्डर हुआ, 1:30 बजे पुलिस आई, क्योंकि किसी अनजान आदमी ने पुलिस को फोन करके क्राइम के बारे में इन्फॉर्म किया था, मगर वह कौन था इसको जानना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। एविडेंस लिस्ट में सीसीटीवी फुटेज नहीं, शैंडलर गायब है, मगर क्यों इसकी किसी को पड़ी नहीं। क्राइम पे जो पुलिस ऑफिसर आया था वो तो सीन में ही नहीं। मौत के 3 दिन पहले सोनिया अपने माँ से मिलने गई थी। उसने माँ को बताया था कि हैन उसका मर्डर कर सकता है, मगर माँ को उसकी वजह पता नहीं। मानो सब ने यही तय किया है कि हैन सोनिया का मर्डरर है। तो अब सबूत ढूंढने के लिए कांग अपने दोस्त जैंग की हेल्प लेता है। वो जैंग से कहता है कि मर्डर की रात हैन उसके घर का रास्ता छोड़ के हाईवे पे चला गया था। हैन के कहने के हिसाब से नींद की वजह से उसे रोज का रास्ता छूट गया था। उसने कार हाईवे के पास लगे स्टोन पे ठोक दी थी।
तो हमें गवाह ढूंढना होगा कि क्या सचमुच उस रात उसने कार ठोक दी थी। जैंग उससे कहता है कि 3 दिन में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रही है, तो इतने कम वक्त में यह सब करना पॉसिबल नहीं। कांग गारंटी के साथ बोलता है कि ट्रायल पोस्टपोन होगी। अब कांग कोर्ट में दरखास्त करता है कि ट्रायल के पहले वह अपनी केस जूरी के सामने रखना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली केस 2 वीक्स के लिए पोस्टपोन हो जाती है। यहाँ जैंग हैन के प्रोडक्शन कंपनी में पूछताछ के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि सोनिया के मर्डर के 3 दिन पहले उनकी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से एक डमी डेड बॉडी गायब हुई थी और उस दिन प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की चाबी हैन के पास थी। तो यहाँ कांग को हैन की बिल्डिंग के वॉचमैन से पता चलता है कि जिस रात सोनिया का मर्डर हुआ उस रात 12 बजे के आसपास किसी ने पार्किंग में जाके वहाँ खड़ी कार्स के लॉक अलार्म को छेड़ा, जिससे सभी कार्स के अलार्म एक साथ बजने लगे थे, तो वह देखने वॉचमैन पार्क में चला गया था। बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम से पता चलता है कि केस को हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर ली ने सीसीटीवी फुटेज 1 बजे उनसे ली। वह सुनके कांग शॉक होता है कि पुलिस क्राइम सीन पे 1:30 बजे आई, तो उसके पहले उन्होंने फुटेज कैसे ली। कांग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर ली ने वो फुटेज सरकारी वकील एलेक्स को दी है। तो यहाँ जैंग को हाईवे ट्रैफिक पुलिस से पता चलता है कि मर्डर के 2 रात पहले उन्होंने एक कार को हाईवे पे रुकाया था, तो उन्हें उसकी कार में डमी डेड बॉडी मिली थी, मगर उस आदमी ने कैप से अपना चेहरा ढका था, तो उन्हें उसका चेहरा ठीक से याद नहीं। अब कांग हैन को कंफर्टेबल करने के लिए उसे उसका सोनिया के साथ वाला एक फोटो दिखाता है। हैन कांग से कहता है कि वो फोटो तब का है जब उसने सोनिया को प्रपोज किया था। हैन कांग से कहता है कि उसे उस पर विश्वास है कि वो उसे बेगुनाह साबित करेगा। अब कांग अपने सेक्रेटरी को 2 कैंडल लाके देता है और उससे कहता है कि क्राइम सीन पे ऐसी 4 कैंडल्स मिली जिसमें से 3 पूरी तरह पिघल गई थी, तो 1 आधी जली थी। हो सकता है 3 कैंडल सोनिया ने 10 बजे जलाई हो और 4th कैंडल मर्डरर ने सोनिया को 12 बजे मारने के बाद जलाई हो, तो कैंडल जला के देखो वह आधी जलने तक कितना वक्त लेती है। यहाँ जैंग उस जगह पहुँचता है जहाँ मर्डर वाली रात हैन ने कार को ठोका था। उसे पास ही एक स्टोर दिखता है, मगर उस स्टोर का बूढ़ा मालिक उससे कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता, तो जैंग उसके पास अपना कार छोड़ के चला जाता है। यहाँ कांग जानना चाहता है कि उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या था जिसे सरकारी वकील या पुलिस रिवील नहीं कर रही। अब जूरी के सामने ट्रायल शुरू होती है। एलेक्स ऑटोप्सी डॉक्टर से पूछता है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनिया की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसकी अभी तक बॉडी भी नहीं मिली। डॉक्टर बताता है कि बेड पे जो ब्लड की क्वांटिटी पाई गई है वो 3 लीटर के ऊपर थी, तो किसी इंसान का इतना खून बह जाए तो निश्चित उसकी मौत हो जाती है। रूम में ना कोई हाथापाई के निशान पाए गए, ना जबरदस्ती घर में घुसने के। जाहिर है सोनिया उस शख्स को अच्छी तरह पहचानती थी जो सिर्फ हैनी हो सकता है। कांग डॉक्टर से पूछता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि घायल अवस्था में सोनिया खुद घर के बाहर कहीं चली गई हो। डॉक्टर कहता है ये भी पॉसिबल है, मगर इतनी घायल औरत बिना किसी खून के धब्बे फर्श पे गिरा के बाहर जा नहीं सकती। एलेक्स जज से कहता है कि सोनिया की मौत 12 बजे के आसपास हुई और 1 कैंडल 12:20 को जलाई गई। मर्डर करने के बाद ये वही कर सकता है जो या तो साइको हो या उस घर में कंफर्टेबल हो, और ये दोनों बातें हैन पे फिट होती है। हैन एंटी सोशल डिसऑर्डर का बीमार है। जज जूरी ट्रायल की अगली डेट दे देता है। कांग सोनिया के ऑफिस में पूछताछ करता है, तो उसे उसकी सहेली से पता चलता है कि सोनिया अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, उसका कोई लवर नहीं था। मौत के 1 महीने पहले से वो किसी कारण डिप्रेशन में चली गई थी। कांग तहकीकात करता है, तो उसे पता चलता है सोनिया की मौत के 1 महीने पहले हैन 3 दिन के लिए गायब था, और उसके लौटने के बाद ही सोनिया की मेंटल हालत बिगड़ गई थी। यहाँ एलेक्स वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें एक अनजान आदमी लिफ्ट में एंटर करते हुए दिखाई देता है, मगर ये समझ में नहीं आता कि एलेक्स वो फुटेज क्यों छुपा रहा है। डैन एलेक्स से कहता है कि अगली ट्रायल में कांग इंस्पेक्टर ली को क्रॉस एग्जामिन करने वाला है, जिससे दोनों टेंशन में है। उनकी बातों से पता चलता है जरूर ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। कांग भी डेस्परेटली वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है, और तभी ली कांग की असिस्टेंट यूना से मिलता है और उससे कहता है कि वो फुटेज अब सिर्फ एलेक्स के पास है, मगर वो उसे उसकी कॉपी बना के दे सकता है, शर्त यह है कि उसे कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए। तो अब कांग अगली हियरिंग लिस्ट से ली का नाम निकाल देता है, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि ली कांग से हाथ मिलाने जा रहा है, जो एलेक्स को खतरे में डाल सकता है। तो वह कांग को अटकाने का एक प्लान बनाता है। तो यहाँ हैन और एक सुसाइड अटेम्प्ट करता है। यूना कांग से कहती है कि ली फुटेज के बदले पैसे चाहता है, मगर कांग पैसे देके एविडेंस नहीं खरीदना चाहता। यहाँ एलेक्स उसी अनजान आदमी से मिलता है जो सीसीटीवी फुटेज में लिफ्ट में एंटर करते हुए दिखाई दिया था। रात को कांग घर पे आता है तो उसे एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर 1 साल पहले किए गए किसी स्कूल की लड़की के मर्डर के पेपर्स होते हैं, जिसमें हैन को सस्पेक्ट की तौर पे
पुलिस ने इंट्रोगेट भी किया था। उस लड़की पे शारीरिक दुराचार करके उसका मर्डर किया गया था। कांग ये बात जैंग को बताता है। किलर ने उस लड़की को मार के उसका एक दांत निकाल लिया था, जिससे पुलिस को लगा कि यह एक सीरियल किलिंग की शुरुआत है। सोनिया के मर्डर के एक महीने पहले हैन 3 दिन गायब था। दरअसल इसी लड़की की केस के सिलसिले में पुलिस ने हैन को अरेस्ट करके 3 दिन कस्टडी में रखा था, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से बाद में उसे छोड़ा गया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स जिस आदमी से मिला था वह लिफ्ट वाला आदमी वही पुलिस ऑफिसर है जिसने उस लड़की की मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट किया था और जिसका नाम शॉन है। उसी ने वह एनवलप कांग को भेजा था ताकि वह जान सके उसका क्लाइंट पहले भी एक मर्डर के सिलसिले में सस्पेक्ट था। एलेक्स शॉन से कहता है कि वह चाहता है कि शॉन जूरी के सामने गवाही दे। यहाँ कांग उस प्रोफेसर से मिलता है जिसने उस मर्डर के केस के सिलसिले में पुलिस के कहने पे हैन को इंट्रोगेट किया था। प्रोफेसर ने हैन से कहा था कि वह फैसला करे वह जेल जाना चाहता है या मेंटल हॉस्पिटल। प्रोफेसर बताता है कि 3 दिन हैन को इंट्रोगेट करने के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला, मगर पुलिस को पक्का यकीन था कि उस लड़की को हैन ने ही मारा है, क्योंकि मर्डर के वक्त वो कहाँ था ये वो बता नहीं पाया था। उस केस का सरकारी वकील भी एलेक्स ही था। कांग समझ जाता है अपनी पिछली हार का बदला एलेक्स इस बार लेना चाहता है। अब कांग हैन से मिलके उस पर गुस्सा होता है कि उसने ये पिछली मर्डर वाली बात उससे क्यों छुपाई। कांग गुस्से से उससे पूछता है कि वह सच बताए कि क्या उसने उस लड़की का मर्डर किया था। हैन इमोशनल होके उससे कहता है कि जब उसका वकील ही उस पे विश्वास नहीं रखता तो जज क्या रखेगा। वह कांग से कहता है मैं तुम पे विश्वास करके अब तक जिंदा हूँ, मैंने मेरी वाइफ को नहीं मारा और ना ही उस लड़की को। कांग के समझ में नहीं आता अब क्या करे। जैंग उसे विश्वास दिलाता है कि वह यह केस जरूर जीतेगा। अब जूरी के सामने दूसरी ट्रायल शुरू होती है। सोनिया की माँ बताती है कि मौत के 3 दिन पहले वो उससे मिलने आई थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि वो अपने पति को जैसा समझ रही थी वो वैसा नहीं है, वो उसका मर्डर भी कर सकता है। हैन ने ही सोनिया को मारा है, वो एक डिमन है। कांग उससे कहता है कि जब तुम्हें पता था तुम्हारी लड़की की जान खतरे में है तो तुमने उसे वापस क्यों जाने दिया। माँ कहती है वो कंफ्यूज हो गई थी, मगर वो पहली नजर में जान गई थी कि हैन एक गलत इंसान है। कांग कोर्ट से कहता है कि सोनिया की माँ उसको लेके बहुत पजेसिव थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी लड़की को उससे छीने, इसलिए उसने डे वन से हैन के बारे में निगेटिव फीलिंग बना के रखी थी। ट्रायल के बाद ली कांग की असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देता है, मगर उसमें कुछ दूसरा ही निकलता है जिससे यूना गुस्सा होती है, मगर वह एलेक्स का ट्रैप होता है। ली और कांग को फंसाने का सबूतों को खरीदना और बेचना जुर्म है, जिस पर जज कांग को वार्निंग देता है। तो यहाँ वह क्रैश साइट वाला शॉपकीपर जहाँ मर्डर की रात हैन ने कार को ठोका था वह कॉल करके जैंग को बुलाता है और उससे कहता है उस रात हैन की कार ने ही उसके लड़के को टक्कर मारी थी और भाग गया था। वह जैंग को हैन की कार का नंबर देता है, मतलब मर्डर की रात हैन घर से दूर वहाँ हाईवे पे था। अब अगली हियरिंग में शॉन को पेश किया जाता है। वह जज को बताता है कि 1 साल पहले हुए स्कूल गर्ल की मर्डर केस का वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जिसमें हैन मेन सस्पेक्ट था, मगर सबूत न होने की वजह से वह छूट गया। शॉन को यकीन था कि हैन ही मर्डरर है, तो उसने उस पे नजर रखना शुरू किया। उसने उसके घर के शैंडेलियर में माइक्रोफोन बिठाए। वह करते वक्त उसे सोनिया ने देखा तो शॉन ने सोनिया को सब बातें बता दी, वो भी हेल्प के लिए राजी हो गई, मगर वह अंदर से टूट गई थी। मर्डर के दिन उसने शॉन को फोन करके बताया था कि उसे हैन के खिलाफ कोई सबूत हाथ लगे है। शॉन कोर्ट को बताता है कि उसके पास उस कॉल की रिकॉर्डिंग भी है। शॉन बताता है कि मर्डर की रात वो हैन का पीछा कर रहा था, मगर उसने उसे चकमा दे दिया तो वह भाग के हैन के घर पहुंच गया, तो उसने देखा बेड खून से लथपथ है और सोनिया गायब है। तो शॉन ने पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया और आधे घंटे बाद पुलिस आई। एलेक्स कोर्ट को बताता है कि सोनिया के पास हैन के खिलाफ सबूत थे जिसकी वजह से हैन ने उसका मर्डर किया। कांग कोर्ट को बताता है कि हैन को फंसाना यह शॉन और एलेक्स की मिली भगत है, क्योंकि स्कूल गर्ल मर्डर का प्रोसिक्यूटर भी एलेक्स ही था। अब उस बूढ़े शॉपकीपर को गवाही के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है। वो बूढ़ा बताता है कि उस रात एक कार ने उसके लड़के को ठोकर मार दी थी और वह कार वाला भाग गया। भागते हुए उसने उसकी कार का नंबर और वक्त नोट किया ताकि वह उससे कॉम्पनसेशन मांग सके, मगर एलेक्स उस बूढ़े की पोल खोल देता है। वो उससे कहता है कि तुमने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा और रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में तुमने पूरा नंबर देखा या पैसे दे के तुम्हें यह सब बोलने को कहा गया है। एलेक्स जज से कहता है कि कांग ने पहले भी सबूत खरीदने की कोशिश की है और इस बार भी। एलेक्स बूढ़े को धमकाता है कि कोर्ट में झूठ बोलने की सजा 5 साल है, जिससे बूढ़ा डर के भागने लगता है और बूढ़े की गवाही को नामंजूर किया जाता है। यहाँ कांग को यही बात सता रही है
कि अगर हैन सोनिया से सच्चा प्यार करता था तो उसने उसे उस स्कूल लड़की के मर्डर के बारे में सच क्यों नहीं बताया, यह बात उसने छुपा के क्यों रखी। अब यही बात कांग कोर्ट में हैन से पूछता है। हैन बताता है कि सोनिया बहुत इमोशनल थी, वह सच्चाई समझ नहीं पाती, उसके प्यार की खातिर मैंने यह बात छुपाई, मगर उसने मेरे खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाया और मेरे प्यार का विश्वासघात किया। अब कांग हैन उसका क्लाइंट होने के बावजूद उस पे आरोप रखता है कि उसकी वाइफ के डिप्रेशन को वह जिम्मेदार है। कांग हैन से पूछता है कि मर्डर वाली रात तुम ऑफिस से घर आ रहे थे तो आधे रास्ते वापस क्यों लौटे। हैन बताता है कि वह अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट करना चाहता था, वही लेने वह सिटी वापस गया था। कांग उससे पूछता है तो सियोल से घर पहुंचने में तुम्हें 5 घंटे क्यों लगे। हैन बताता है कि लौटते वक्त कार में उसकी आंख लग गई तो वह रास्ता भटक के दूसरी दिशा में चला गया और तभी उसने कार को साइड स्टोन पे ठोका, जिसकी वजह से वह कुछ देर बेहोश था। होश आया तो वह सीधा हाईवे पकड़ के घर चला आया। घर में उसने पुलिस को देखा, इसके पहले के वो कुछ समझ सके पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अब कांग हैन के दिल को झंझोड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपने आप को सोनिया की मौत का जिम्मेदार मानता है। हैन भरी अदालत में कहता है, हाँ मैंने सोनिया को मारा है, अगर आप सब लोग यही सुनना चाहते हैं तो मैं मेरी वाइफ का कातिल बनने को तैयार हूँ, काश के उसके पहले मैं मर जाता, मेरा चुप रहना मेरा गुनाह बन गया, मैंने मेरी प्यारी वाइफ को नहीं मारा, मगर सब लोग यही चाहते हैं कि मैं उसका मर्डरर साबित हो जाऊं, जिसकी वजह से मिरर में भी मुझे एक मर्डरर नजर आता है, मेरे फिंगरप्रिंट्स घर में नहीं मिले, इसमें मेरा क्या कसूर, दिन के 12 घंटे मेरे हाथ पे केमिकल लगा होता है जिसमें वो जल गए, आप मुझे किलर का टैग लगा सकते हो, मगर मैं मेरी वाइफ से सच्चा प्यार करता था, मुझे अभी भी लगता है कि वो कहीं जिंदा है, तो मुझे कातिल साबित करने से बेटर है उसे ढूंढो। ट्रायल के बाद कांग एलेक्स से मिलता है और उससे कहता है कि वो एक इनोसेंट आदमी को मर्डरर साबित करने पे तुला हुआ है, यह न्याय नहीं है। उस पर एलेक्स उससे कहता है इमोशनल कार्ड खेल के वो केस को जीतने की कोशिश कर रहा है, मगर हैन किलर था और किलर है और तुम्हारी वजह से एक साइको किलर दुनिया में आजाद घूमेगा। कांग उससे कहता है हैन को फंसाने के लिए तुमने उसकी वाइफ को मारा और उसकी बॉडी कहीं पे डंप कर दी, तुम गंदे लोग हो। अब अगले दिन फाइनल ट्रायल शुरू होती है। एलेक्स कोर्ट से कहता है कि भले उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं, मगर हैन का कैरेक्टर देखा जाए, वह एक स्कूल की लड़की के अत्याचार और मर्डर की केस में सस्पेक्टेड रह चुका है, उसकी वाइफ सोनिया को उसके खिलाफ सबूत मिले तो उसने उसे मार दिया, बड़ी अकलमंदी से उसकी लाश को गायब किया ताकि केस ही ना चल पाए, अगर पुलिस वक्त पे ना आती तो शायद वह बेड पे लगे खून के दाग भी मिटा देता। हैन के मासूम चेहरे के पीछे एक कोल्ड ब्लडेड साइको किलर छुपा हुआ है। सोनिया को मारने की किसी और को कोई वजह ही नहीं थी और सोनिया के खुद चल के गायब होने की कोई गुंजाइश नहीं, अगर ऐसे हैवान को छोड़ा गया तो उसका हौसला बढ़ेगा, वो कई और मर्डर करेगा और यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब कांग अपनी दलील पेश करता है। कांग कोर्ट से कहता है कि ऐसा हमेशा कहा जाता है कि भले 10 गुनहगार छूट जाए मगर किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कोर्ट में सबूतों की अहमियत है और इस केस में कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं जो ये दर्शाए कि हैन ने उसकी वाइफ सोनिया का मर्डर किया है, उस स्कूल की लड़की का मर्डर हैन ने किया इसके भी कोई सबूत पुलिस के पास नहीं थे। हैन का इंट्रोवर्ट होना, उसका चुप रहना उसका गुनाह बन गया, सिस्टम ने इनोसेंट हैन को मर्डरर ठहराया। सोनिया की डेड बॉडी नहीं मिली, मतलब यह भी पॉसिबल है कि वह जिंदा हो सकती है और आज मैं उसे इस अदालत में जिंदा पेश करूंगा, मेरे 3 गिनने तक वह कोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर आएगी। अब कांग 3 गिनने लगता है, सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती है, मगर 3 गिनने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता और ना ही कोई अंदर आता है। कांग जस से कहता है कि आप सब ने मुड़ के दरवाजे की ओर देखा, मतलब आप सबको यही लगता था कि शायद सोनिया जिंदा है, मतलब आप सबके मन में यह शक अभी भी है कि क्या उसका मर्डर हुआ है, और जब अदालत में कोई शक रह जाता है तो उसके बलबूते पे किसी को सजा देने का फैसला नहीं लिया जा सकता। जज कांग की दलील को मंजूर करके बिना ठोस सबूतों के चलते हैन को बाइज्जत बरी करता है। फैसला सुन के एलेक्स के चेहरे पे एक अजीब हंसी आती है। कोर्ट से निकलते हुए वो कांग से एक ही बात कहता है कि जब तुमने 3 काउंट किए तो सबने दरवाजे की तरफ देखा, मगर हैन ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। एलेक्स की बातें सुनकर कांग पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह जान जाता है हैन ने मुड़ के इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसे कंफर्म पता था सोनिया मर चुकी है। यहाँ जैंग उस बूढ़े के लड़के को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है कि तभी वो लड़का उसे एक शॉर्टकट से लेके जाता है जो आधे वक्त में हाईवे तक पहुंचा सकता है। जैंग एक डैम से गुजर रहा होता है कि वहाँ का एक स्ट्रक्चर देख के उसे ऐसा लगने लगता है
कि उसने वह जगह पहले कहीं देखी है, कि तभी उसे याद आता है कि उसने हैन के फोटो में वह स्ट्रक्चर देखा था। वह फोन करके यह बात कांग को बताता है। वह कांग को बताता है कि हाईवे की तरफ जाने वाला यह शॉर्टकट है, और उस बूढ़े के लड़के ने उस रात हैन को उसी डैम के पास कार रुका के डैम से आते हुए देखा। जाहिर है हैन वहां सोनिया की डेड बॉडी फेंकने गया होगा। कांग समझ जाता है हैन ने इमोशनल कार्ड खेल के उसे बेवकूफ बनाया। उसने हैन को छुड़ा के सबसे बड़ी गलती की है। अब वह हैन के घर पहुंच जाता है। वह हैन से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसी ने उसकी वाइफ सोनिया और उस स्कूल लड़की को मारा है। हैन हंसते हुए सच्चाई बताता है कि उसी ने उस स्कूल की लड़की को दुराचार करके मारा था। जब दूसरे दिन वह क्राइम सीन पे गया तो एक आदमी ने हैन को पहचान लिया था कि हैन वही शख्स है जिसे उसने कल डैम के आसपास देखा था, जिसकी बेस पे शॉन ने उसे इंट्रोगेट किया। मगर हैन टस से मस नहीं हुआ। हैन ने उस लड़की को मार के सुवेनियर के तौर पे उसका एक दांत निकाल के लिया। वह एक सीरियल किलर की शुरुआत थी। जब उसे पता चला कि सोनिया शॉन के साथ मिलके उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी है, तो उसने सोनिया को मारने का प्लान बनाया। उसने कंपनी के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से डमी डेड बॉडी चुरा के प्रैक्टिस की कि उसे उसके घर से डैम तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। उस रात सोनिया को हैन के ड्रॉवर में उस लड़की का टूटा हुआ दांत मिल गया, तो वह कन्फर्म हो गई कि उसका पति साइको किलर है। उसने हैन से इस बात का जवाब मांगा तो हैन ने उसके सीने को चीर के उसे मार दिया। फिर बुझी हुई मोमबत्ती बड़ी इत्मीनान से फिर से जलाई। कांग हैन से पूछता है कि उसने सोनिया की बॉडी को घर से कैसे निकाला। हैन बताता है कि उसने पार्किंग में खड़ी कार्स के लॉक अलार्म के साथ छेड़खानी की, जिससे सब कार्स के अलार्म एक साथ बजने लगे। वॉचमैन उसे देखने वहां गया। वही मौका देख के हैन ने प्लास्टिक में बंधी सोनिया की लाश को बालकनी से नीचे फेंक दिया और खुद भी बालकनी से नीचे उतरा। अलार्म की आवाज में लाश नीचे गिरने का आवाज नहीं आया। फिर उसने सोनिया की लाश को उस डैम के पास डंप किया। जैसे ही हैन ये बयान देता है, पुलिस आके उसे गिरफ्तार करती है। यह कांग का प्लान होता है। अब डैम के पास पुलिस सोनिया की लाश को ढूंढने में लग जाती है। कांग एलेक्स को ऑडियो रिकॉर्डर देता है, जिस पर उसने हैन का पूरा बयान रिकॉर्ड किया होता है। एलेक्स कांग से कहता है कि तुमने तुम्हारे ही क्लाइंट को गुनहगार साबित किया, जिससे तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा। कांग उससे कहता है, रेपुटेशन जरूरी नहीं, असली गुनहगार पकड़ा जाना जरूरी है। तभी पुलिस को सोनिया की लाश मिलती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।